दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हाँ एक ऐसे होस्पिटल दे विच जिहड़ा कि बहुत वड्डा ट्रोमा सेंटर बनया होया है। पंद्रह बीस साल पहले इतने काम किया बाबा जी के नाल, उन्होंने आशीर्वाद है। पब्लिक सारी इतने जानती सी, सानू कितें होर जाने नहीं दिता, नाले अपनापन इतने लगता सी, अपनापन समझ के ही आप जो कर सकते हम कर रहे हैं। पिछले चैरिटेबल हॉस्पिटल काम किया है ते उदों बाद असीं इत्थे शुरू कीता है। इत्थे असीं सारी तरह की सेवावां दे रहे हैं, गायनी ऑब्सटेट्रिक्स दीआं ते 24 आवर्स अवेलेबल हैगे। दर्शकों पंजाब प्लस चैनल ते तुहाडा स्वागत है। अज असीं आए हाँ एक ऐसे होस्पिटल दे विच जिहड़ा कि एक बहुत वड्डा ट्रोमा सेंटर बनया होया है, और जीटी रोड के उपर जो आप बलाचौर के नेड़े नकोदर तो आप अपना नवा शहर तो आप जाने हैगे हाँ रोपड़ वाले पासे, तो बिल्कुल मेन रोड से स्थित होया और लोगों के जाना बचाने वाला आप देख सकते हैं। डॉक्टर साहब जो कि सोनोलॉजिस्ट ने और लंबे समय तो सेवावां दे रहे हैं, पहला ओंकार सिंह जिहड़ा संत बाबा ओंकार सिंह जी दे होस्पिटल जिहड़ा उन्होंने अपने कर कमलों के अपनी सारी जिंदगी लगा के सेवा दे विच बनाया, उहदे विच सेवा की, और उस तो बाद जिहड़ा आपां जिस वेंचर ते बैठे हाँ इत्थे इन्हां ने मेन रोड के उत्ते होस्पिटल जिहड़ा आपदा एस्टैबलिश किया। डॉक्टर साहब स्वागत है तुहाडा, की कहना चाहोगे कि बड़ी घालना घालियां जिंदगी दे विच बहुत मेहनत कीतियां और अज इस मुकाम ते पहुंचे हाँ कि लोगों ने प्यार किया, कोई कहिंदा सी चंडीगढ़ खो होस्पिटल खोल लो, कोई कहिंदा सी इधर आ जाओ, बड़ी मंग हुंदी सोनोलॉजिस्ट दी क्योंकि बड़ा इस चीज़ का जिहड़ा हैगा बहुत मोटिया मोटिया पिया हुंदियां, पर फिर भी तुसीं पेंडू एरिए नूं इस नूं अपना जिहड़ा हैगा सेवावां दित्तियां, की कहना चाहोगे? क्योंकि 15-20 साल पहले इतने काम किया बाबा जी के नाल, उन्होंने आशीर्वाद है। पब्लिक सारी इतने जानती सी, सानू कितें होर जाने नहीं दिता, नाले अपनापन इतने लगता सी, अपनापन समझ के ही आप जो कर सकते हम कर रहे हैं जी। ट्रोमा सेंटर बहुत बड़ा बनया हुआ जिदे तुहाडे कोल राउंड दी क्लॉक अनसीजिया वाले और नाल आर्थो वाले नाल तुसीं खुद जिहड़े हैगे आ जे सोनोलॉजिस्ट सेवा दे रहे हो, की कहना चाहोगे कि नाल दी नाल ही बंदे नूं कोई भी इंजरी आउंदी है, हैड इंजरी है, कोई होर है, नाल दी नाल ही पता लग जांदा, और बीइंग ऑन मेन रोड बड़ा एक लाइफ सेविंग जिहड़ा होस्पिटल बनया हुआ करदे हैगे आ, जान बचाण दी बचदी भी है, प्लस साडे कोल सारा इक्विपमेंट भी नाल हैगा, सीटी स्कैन है, MRI है, अल्ट्रासाउंड मशीन हैगी है, एक्सरे है डिजिटल, जिदे करके वाहगुरु ना करे किसी को एक्सीडेंट तो बाद लोड पैंदी है तो सारा कुछ एक ही छत थले हो जाता जी। ऑर्थोपीडिक्स बेहोश वाले डॉक्टर NSC वाले अपने को है ही, ICU भी अपने को है। पैंडेमिक दे विच बहुत वड्डी सेवा इस हॉस्पिटल ने की, बहुत जाना बचाइया क्योंकि ऑक्सीजन का प्रबंध, ICU का, और बहुत ही ज़्यादा मेहनत के नाल लोग कहते हैं यार डॉक्टर तैनू कुछ हो ना जाए, पर तुम कहते नहीं कोई नहीं यार देखी जाऊगी, पर मैं लोग आ जिहड़े मेरी वो प्रायोरिटी हैगी, तुसीं एक दिन भी हॉस्पिटल नूं जिदा लोगों ने जिंदे ला ला के चले गए सी, लेकिन तुसीं अपनी सेवा जिहड़ी जारी रखी जी, लगे रहे जिदा भी हो सके अगे नाल नाल एक सुपर स्पैशलिटी दी और ही जा रहा हॉस्पिटल, और आने वाले समय के विच होर भी जिहड़ियां स्पैशलिटियां इस हॉस्पिटल च आणगियां जी, लगे हुए हैं जी, देखो बन जाना चाहिए वड्डा हॉस्पिटल मल्टी स्पैशलिटी, सपना तो यही है। और हुण असीं गल कर रहे हैं इस हॉस्पिटल की बैकबोन डॉक्टर श्वेता सिंह जी के नाल जिहड़े एज ए गैनकोलॉजिस्ट MBBS ने और DGO ने इन्नी मेहनत करते हैं कि पेशेंट नूं तुहानूं पता दर्दा दुर्दा जिहड़ियां आम तौर पर जिहड़ियां हैगियां हुंदियां रात नूं आ, और उस टाइम के उत्ते भी श्वेता जी फोन जरूर चक के अगले नाल गल भी करते हैं, और अगर एमरजेंसी कोई पेशेंट नूं हैंडल करना पवे वो भी करते हैं, एज ए गैनकोलॉजिस्ट सेवा दे रहे हैं। मैडम स्वागत है तुहाडा, की कहना चाहोगे? पिछले चैरिटेबल हॉस्पिटल च काम किया है ते उदों बाद असीं इत्थे शुरू कीता है। इत्थे असीं सारी तरह की सेवावां दे रहे हैं, गायनी ऑब्सटेट्रिक्स दीआं ते 24 आवर्स अवेलेबल हैगे आ। असीं तो जी अपने वालों पूरी कोशिश करी दी है पेशेंट नूं सैटिस्फाइड करन दी, सारा कुछ करी दा, बाकी पेशेंट दे उत्ते आ। एंड सर PCOD दा बहुत वड्डा रुझान है, हाँ जी, अजकल यंगस्टर्स नूं बहुत ज़्यादा, लगभग सारी कुड़ियाँ PCOD दे विच हैगियां, सब नूं ही तकलीफ हैगी PCOD दी, साडा लाइफ स्टाइल अद्धा दा हो गया, बेस्टी हो गई है, सिटिंग है सारा, डिलीवरी तक लैके जाना,
बहुत खुशी होंगी जी जो सारा कुछ साढ़े को चलता सारा ट्रीटमेंट शुरू तो लेंगे तो साढ़े को सारा कुछ है भी अवेलेबल कितने जाने की भी पेशेंट को लोड़ नहीं पैंती शुरू तो लेके आखिर तक इतों ही होंगे पेशेंट का फिर वधिया लगता जी डिलीवरी ले भी बहुत वधिया हॉस्पिटल जी ते वधिया रूम्स ने साढ़े को ले हाँ जी साढ़े को प्राइवेट रूम्स भी है तो जनरल वार्ड भी है जिदा का पेशेंट है वो ले लेंदा है अपने हिसाब से गल कर रहे डॉक्टर बिक्रमजीत जी के नाल जिहड़े के आर्थोपेडिक दे सर्जन ने और गोडे चूल्हे बदलना और जिस तरीके दे नाल स्पोर्ट्स इंजरी कोई भी प्रॉब्लम आती है हड्डियाँ की और उहदे नाल ट्रोमा सेंटर भी ये नाल अटैच करके संभाल रहे हैं बिक्रम जी स्वागत है तुहाडा की कहना चाहोगे मैं एमएस आर्थोपेडिक सर्जन हाँ इस तो पहला मैं सीनियर रेजिडेंट गवर्नमेंट मैं दो तीन महीने ही होए इस हॉस्पिटल में ज्वाइन किए हुए इस हॉस्पिटल दे विच आप कोशिश करते हैं कि जिन्ना भी पेशेंट एक्सीडेंट या ट्रॉमा दे नाल आवे उन्होंने जल्द तो जल्द इन्वेस्टिगेट करके पूरी सेवावां दित्तियां जाण असी इत्थे जिन्हें भी हड्डी टुटे दे इलाज करते हैं जिन्हें भी कॉम्पलैक्स ट्रॉमा है जिन्हें भी गुंझलदार इंजरीज ने उन्हों का भी आप इलाज इस हॉस्पिटल दे विच करते हैं गोडे अते चूले चेंज करने वाली सेवावां भी इस हॉस्पिटल विच दित्तियां जांदियां ने जिहड़े जमांदरू बच्चे प्रॉब्लम होंदी है जिन्हां दे पैर मोड़े होण या गोडे मोड़े होण कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है उन्हों का इलाज भी प्लस्तर और माइनर ऑपरेशन नाल इस हॉस्पिटल दे विच कीता जांदा है तो सर की कहना चाहोगे कि जल्दी ही हॉस्पिटल दे विच ब्लड बैंक भी आ रहे हैगे और डायलिसिस यूनिट जिहड़ा ऑलरेडी चल रहा है जिहदे विच बहुत ही रीजनेबल रेटां दे उपर लोगों के डायलिसिस होंदे ने और जिहड़े लोग इनफेक्टेड ने जिन्हां नूं हैपेटाइटिस बी सी आ उन्हां दे लई अलग तो मशीन है रखी हुई है कोई एच आई वी पॉजिटिव है एस सी वी पॉजिटिव है या हैपेटाइटिस बी पॉजिटिव है उन्हां लई मशीन अलग रखी हुई है ₹1000 ₹999 च असीं डायलिसिस कर रहे हैं जी बैंक दिवाली तो बाद इस महीने आ जाना चाहिए जी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई ये हॉस्पिटल जिहड़ा कि डॉक्टर साहब का माइंड सीगा पहला तो ही कि मैं हर चीज़ इस लिया और हुण असीं गल कर रहे हैं डेंटल दे जिहड़े डॉक्टर साहब ने मैडम मैडम स्वागत है तुहाडा साडे शो दे विच की कहना चाहोगे कि यह हॉस्पिटल जिहदे विच हर तरह की फैसिलिटियाँ और डेंटल दे विच भी तुसीं लोगों नूं सोहणे बनाना अजकल का जो सिनेरियो आ जिहदे विच अजकल यंग ब्लडड आ जिहड़े पहलां लोग ब्यूटी पार्लर कोल जांदे सी हुण डेंटल कोल जांदे ने भी डेंटल वाले डॉक्टर कोल जाओ सोहणे बन के आओ जिहे जिहे मर्जी दंद लैके आओ तुहाडे कोले और वधिया बना के जांदे हो असे डेंटल दीआं सारीआं फैसिलिटीज अवेल करदे आ हर टाइप दे ट्रीटमेंट दा हर टाइप दी बीमारी दा ट्रीटमेंट कीता जांदा है केरियस लीजन जे कि दंद कीड़ा लगा होवे जे किसी दे दंद टेढ़े में होन असीं उत्थे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी करते हैं लेटेस्ट अजकल इम्प्लांट बहुत ज़्यादा डेंटिस्ट्री फील्ड विच इवॉल्व कर रहा है इम्प्लांट सर्जरीज हो रही हैं उहदे नाल इम्प्लांट बोन प्रोस्थीसिस असीं दिंदे हैं एक्सट्रैक्शनस सर्जिकल एक्सट्रैक्शन डिसइंफेक्शनस इत्थे हर टाइप का ट्रीटमेंट किया जाता है जिते लोड़ है उत्थे असीं स्पैशलिस्ट नूं भी बुलाते हैं जी एन आर आईज का डेंटल टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है क्योंकि ओवरसीज़ विच डेंटल ट्रीटमेंट्स वन ऑफ द कॉस्टलीएसट ट्रीटमेंट मोडैलिटीज़ विच कंसिडर किया जाता है तो वो एन आर आईज इंडिया इंडियन डेंटल मार्केट नूं बहुत ज़्यादा सीक करते हैं तो जो इंडिया आते हैं तो उन्हों का एक हों कि असं डेंटल ट्रीटमेंट करना है तो इतने भी डेंट एन आर आईज अप्रोच करते अपने डेंटल ट्रीटमेंट्स को हम असं गल कर रहे हैं दलबीर जी के नाल जे कि डॉक्टर साहब के बल चहेते भी ने प्यार वाले भी ने और सारा क्योंकि डॉक्टर साहब का सोनोलॉजिस्ट ने और जिहड़ियां रिपोर्ट्स आ उन्होंने सारे बनाना करना ये दलबीर जी का ही आ दलबीर जी स्वागत है तुहाडा की कहना चाहोगे पंजाब प्लस टीवी के स्रोतियों सत श्री अकाल मेरा नाम दलबीर सिंह मैं एम आर आई तो सी टी टैक्नीशियन हाँ इतने अपने को मल्टीस्लाइज सी टी स्कैन लगी हुई है तो एम आर आई डिजिटल एक्सरे है तो डॉक्टर साहब नाल मैं 20 साल तो काम कर रहा तो अपने वालों असी कोशिश करी थी जिहड़ा पेशेंट आवे उन्हें वधिया सेवावां देईए पेशेंट नूं वधिया फैसिलिटी मिल रही है तो एक घंटे दे विच इन्वेस्टिगेशन होने तो बाद रिपोर्ट मिल जाती है उस नाल पेशेंट नूं बेनीफिट मिलता है तो ज़्यादा जल्दी उन्हां दा डायग्नोज हो जाता है तो बीमारी का पता लगता उसका इलाज जल्दी तो जल्दी शुरू हो जाता है ये हॉस्पिटल मेन रोड के उपर है काफ़ी पिंड जुड़े हुए हैं और अच्कल लोगों का खाण पीन करके फैटी लिवर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रही है हैपेटाइटिस बी सी तो चलो थोड़ा जहा निजात पै सरकार दे नाल लेकिन फैटी लिवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हर तीजा चौथा बंदा जिहड़ा है इसका शिकार हो रहा और उन्होंने देखते हुए तुसीं एक गैस्टो जिहड़ा है सर्जन वह भी इत्थे विजिट करता है और उस बारे की कहना चाहो कोलोनोस्कोपी एंडोस्कोपी या कोई भी रिलेटिड प्रोसीजर है वो आप करते हैं पेशेंट उन्होंने साढ़े को एडमिट होंगे सवेरे शाम वो राउंड भी लेंगे
सारे प्रोसीजर साढ़े हॉस्पिटल जी कर दसा तुहाडा सारी टीम का सानू इन्ने तुहाडे व्यस्त कार्यक्रम दे विच समां देण दे लई बहुत बहुत धन्यवाद। और असीं चाहवांगे कि यह हॉस्पिटल जिदा अगे लोगों की आस्था का केंद्र बनया होया और NRI वीरां दी पहली पसंद है और जिदा पिंडां दे लोक कहिंदे वी डाक्टर साहब कोल जा वड़ो, चल जे पैसे घट भी है तो कोई नहीं डाक्टर आपे कर दूगा इलाज, और तुसीं उदां ही भगवान दे बच्चे बन के सेवा करदे रहो। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गर्ग साहब, धन्यवाद तुहाडा। मैं दलवीर सिंह, रेडियोग्राफर संत गुरमेल सिंह, मेमोरियल हॉस्पिटल पिंड गढ़ी करूँगा, तहसील बलाचौर, डिस्ट्रिक्ट SVS नगर। ये थोनों अपने हॉस्पिटल बारे थोड़ी जानकारी दें, तो ये साडा रिसैप्शन एरिया, ये फार्मेसी एरिया, पेशेंट नूं मेडिसिन लैण लई बाहर जाने की लोड़ नहीं है, इत्थे अंदर अवेलेबल है। ये हॉस्पिटल का डेंटिस्ट डिपार्टमेंट डॉक्टर सुखनदीप कौर ननुआ BDS। ये है जी साडे हॉस्पिटल की ऑर्थोपैडिक्स की OPD, डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह MS ऑर्थोपैडिक्स। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम डॉक्टर बिक्रमजीत सिंह है, मैं MS ऑर्थोपैडिक सर्जन हाँ, संत गुरमेल सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल गढ़ी कानूगांव विखे। इस हॉस्पिटल के असी ट्रॉमा फ्रैक्चरस CTV बच्चों के फ्रैक्चरस बच्चों जबानदरू कोई प्रॉब्लम पैर मोड़े होन उन्हों का पलस्तरना इलाज गोडे चूले इन दे जिहड़े आपां TKR या THR इम्पलांट्स ये सारी सेवावां असी इस हॉस्पिटल काफ़ी घट रेट्स से प्रोवाइड करते हैं। हॉस्पिटल का अल्ट्रासाउंड रूम डॉक्टर विक्रांत राय MD रेडियो डायग्नोसिस, डॉक्टर परमजीत सिंह सोनोलॉजिस्ट। ये अपने हॉस्पिटल का ICU ते वेंटिलेटर फैसिलिटी हैगी है, फुली इक्विप्ड है। ते अंदर हॉस्पिटल का ऑपरेशन थिएटर है, मॉडलर OT है, इस वेले इतने सर्जरी चल रही है, इस करके अंदर नहीं जा सकते। ये अपने हॉस्पिटल का डायलिसिस सेंटर, तो इतने डायलिसिस होती है, तो मैं अंदर जाके मिलाना साडे टेक्नीशियन मिस्टर जतेंद्र सिंह, ये ने साडे डायलिसिस टेक्नीशियन मिस्टर जतेंद्र सिंह अगली जानकारी ये देंगे। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, मैं जतेंद्र सिंह डायलिसिस टेक्नीशियन। साडे इत्थे डायलिसिस 999 रुपये किया जाता है, जिस विच सारा समान असीं अपने कोलों लाते हैं, तो 24 घंटे डायलिसिस की जाती है, कोई एमरजेंसी फीस नहीं लैंदी। इत्थे साडे कोल सारी ICU टीम डाक्टरी बैकअप अवेलेबल है 24 घंटे, तो उस तो बाद ICU बैकअप भी हैगा इत्थे, परमकैत, IJC, फिमोरल, फिस्टला इत्थे बहुत घट रेटां ते बनाए जाते हैं। जी हॉस्पिटल का रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, इत्थे MRI राइट साइड, ते ये है मल्टी स्लाइस CT स्कैन, ये है जी हॉस्पिटल की डायग्नोस्टिक लैब, रूटीन इन्वेस्टिगेशन सारी होंगी इत्थे। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ? ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੇਖੋ, ਪੂਰਾ ਡਾਇਗਨੋਸਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, MRI ਸਕੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, CT ਸਕੈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, 16 ਸਲਾਈਸ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ 4D, ਔਰ ਐਕਸਰੇ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਕਸਰੇ ਹੈਗਾ, ਫੁੱਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜ਼ ਲੈਬ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ICU ਹੈ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ ਆ, ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੰਡਰ ਸਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਟੋ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਡੈਂਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ,
ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਲਡ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਇੰਡ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਚਾਹੇ ਸਕੈਟਰੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਡਾਇਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਛਾ ਦਿੱਲੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕੇ। ਔਰ ਦੱਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂਦਾ 700 ਰੁਪਇਆ 500 ਰੁਪਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਸਿਰਫ 100 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਇਆ, ਔਰਥੋਪੀਡਿਕਸ ਹੋਏ, ਮੈਡਮ ਗਾਇਨੀ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਡੈਂਟਿਸਟ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ OPD ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ 100 ਰੁਪਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਸਪਿਟਲ ਕੰਪਲੀਟ ਗਾਇਨੀ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਟਰੋਮਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕੰਪਲੀਟ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਦਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਡਾਇਲਿਸਿਸ, ICU, ਟਰੋਮਾ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ, ਡੈਂਟਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਰੂਮਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੇਬੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਲਈ 2 ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਸਜ਼ੇਰੀਨ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਵੇਲੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਜ਼ੇਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਵੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੱਡਾ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਅਣਜਾਣ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨਿਕਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਾਨੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਭਿੰਨ ਅੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਯੂਟਰਸ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਵੇ ਸਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਸਟ ਹੈਗਾ ਓਵੇਰੀਅਨ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਈਏ ਰੈਗੂਲਰ ਅਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਦੱਸਾਂ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਜਿਟ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ MBS ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, DMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਔਰ SGRD ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦੇਖੋ DMC ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਤਰਸਦੇ ਆ ਵੀ DMC ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, SGRD ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਵੇਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ UP ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਰਿਚੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਪਲੱਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।